बिना रिफाइनरी के टाउनशिप में सूने पड़े 9 घरों के ताले तोड़ अज्ञात चोरों ने चोरी के मामले को अंजाम दिया। चोर टाउनशिप की बाउंड्री वॉल तोड़कर अंदर घुस गए, जबकि टाउनशिप में रिफाइनरी की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। चोरी की घटना ने रिफाइनरी की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवालिया निशान लगा दिए हैं। दरअसल बिना रिफाइनरी के टाउनशिप में चोरी का ये पहला मामला नहीं है। करीब 4 माह पहले भी सूने पड़े 4 घरों में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की गई थी। इस मामले को पुलिस आज तक नहीं सुलझा पाई और एक बार फिर सूने पड़े 9 घरों में बाउंड्री वॉल तोड़कर उसे अज्ञात लोगों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की सूचना मिलते ही FSL टीम के साथ साथ पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर जा पहुंचे। यहां जाकर उन्होंने मामले की जानकारी ली। एडिशनल SP विक्रम सिंह ने बताया कि मकान मालिकों के ना होने के कारण अभी तक चोरी किए गए सामान का आकलन नहीं किया जा सका है। उनके आने के बाद ही चोरी किए गए सामान की सही जानकारी मिल सकेगी। कल मॉर्निंग में, आज मॉर्निंग में हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि BRL टाउनशिप में 7-8 घरों के ताले टूटे हुए हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे यहाँ से SDOP बीना, थाना प्रभारी आगासोर बीना और पूरी टीम सभी टाउनशिप गए, उसका निरीक्षण किया। तो हमने पाए यहाँ पे कि 9 घरों में जहाँ पे उनके मकान मालिक कहीं बाहर थे, उन घरों में नकबजनी की गई है। जहाँ लॉक लगे थे, लॉक तोड़ के, सेंट्रल लॉक तोड़ के अंदर गए हैं और सामान बिखरा हुआ पाया और संभवतः गोल्ड या कैश इस तरह से चीज़ें लेकर के गए हैं। ये गंभीर मैटर था तो मैं खुद भी स्पॉट में आया। मेरे साथ पूरी टेक्निकल टीम, डॉग स्क्वाड, FSL, फिंगरप्रिंट, सभी टीम आई हुई है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसमें केस सॉर्ट आउट करें। सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद चोर कहाँ से गए? BRL टाउनशिप में पुलिस की पेट्रोलिंग सामान्यतः नहीं रहती जब तक इमरजेंसी में उनके द्वारा कोई कॉल ना किया जाए, और टाउनशिप में उनकी स्वयं की सिक्योरिटी है, प्राइवेट सिक्योरिटी जैसे उन्होंने हायर कर रखी है। जब हम उसमें माइक्रो लेवल में गए तो हमने पाया कि दीवार को फांद तोड़ करके उसमें से लोग एंट्री हुए हैं